वेलकम टू वार्म अप मैच विद फिजिक्स और आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन। इस कॉइल को ध्यान से देखिए, यहाँ पर स्विच लगा है। जैसे ही मैं स्विच को टैप करूंगा, करंट को पूरी तरह से बनने में थोड़ा सा कम वक्त लगता है इन द सेंस माइक्रो सेकंड, बट फिजिक्स माइक्रो को भी रीड कर लेता है, यानी करंट में चेंज आया। जब करंट में चेंज आया तो जहर सी बात है इसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा। वही मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के एरिया के साथ लिंक है, यानी फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है, तो बी चेंज होगा बिकॉज आई चेंज हो रहा है। फॉर्मूला देखिए, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन कांस्टेंट है, आई चेंज हो रहा है तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। और फैराडे के नियम के हिसाब से फ्लक्स चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है। तो ये ईएमएफ का डायरेक्शन कैसा होगा, इस करंट का ही अपोज करने वाला डायरेक्शन है। मतलब अगर बैटरी का प्लस यहां है तो इसके अंदर ईएमएफ का प्लस यहां होगा, माइनस यहां होगा, ताकि ऐसी करंट आए जो इस करंट को काउंटर अटैक कर ले। अब देखिए, जो हमारा टोटल फ्लक्स है वह करंट पे ही डिपेंड कर रहा है। टोटल फ्लक्स कितना होता है, n phi, अगर n टर्न्स है तो n phi इज इक्वल टू li, दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि माइनस n d phi / dt आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। इसी ईएमएफ को इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ-साथ बैक ईएमएफ भी कहते हैं। रीजन बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर, इसे बैक ईएमएफ क्यों कहा जाता है। और पूरा डिटेल लेक्चर भी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।